हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का पहला प्रसंग है फूल से भी कोमल। सन 1930 में दांडी कूच से एक दो माह पहले साबरमती आश्रम में चेचक का रोग फूट पड़ा था। आश्रम के सभी लोगों को अच्छे से मालूम था कि गांधी जी चेचक का टीका लगवाने के विरुद्ध हैं। इस कारण आश्रम में रहने वाले अभिभावकों ने अपने बच्चों को चेचक का टीका नहीं लगवाया था। आश्रम के कुछ बच्चे चेचक से पीड़ित हो गए थे। महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखी थी और रोगियों को संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चिकित्सकों ने भी इस संबंध में उनके उपायों को उचित बताया था, लेकिन फिर एक के बाद एक आश्रम के तीन बच्चे इस भयानक रोग से मृत्यु के गाल में समा गए। आश्रम में सबसे पहले एक 9 साल की लड़की की मौत हुई। इससे महात्मा गांधी के दिल को सदमा पहुंचा। दुख से रात भर वे जागते रहे। मध्य रात्रि में वे उठे और एक लालटेन जलाकर अपने बिस्तर पर बैठकर कुछ लिखने लगे। उसी वक्त आश्रम की एक बहन भी नींद से उठी। मध्य रात्रि में महात्मा गांधी को बिस्तर पर बैठकर लिखते देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वे गांधी जी के समीप जाकर बोली, बापू, इस समय क्या लिख रहे हैं? क्या कोई महत्वपूर्ण कार्य याद आ गया है? मेरे लिए कोई कार्य हो तो जरूर बताएं, मैं आपकी मदद करूंगी। गांधी जी ने उस बहन से कहा, नहीं, तुम अभी जाकर आराम से सो जाओ, मैं स्वयं ही यह कार्य अभी पूरा कर लूंगा। इसके कुछ दिन बाद आश्रम में जब संध्या प्रार्थना चल रही थी, तब एक और बच्चा चेचक से मर गया। उस रात पुनः फिर गांधी जी नहीं सोए, पूर्व के जैसे फिर रात को उठे और बैठकर कुछ लिखने लगे। 2-3 दिन बाद एक बच्चा भगवान के घर चला गया। लगातार होने वाली बच्चों की मौत से महात्मा गांधी चिंता में डूब गए। उस दिन भी गांधी जी मध्य रात्रि में कुछ लिखने के लिए बैठ गए। आश्रम की बहन महात्मा गांधी के रात्रि जागरण का दुख से भली भांति परिचित थी। उसने यह सब देखा नहीं गया, इसलिए वे अभी आधी रात को गांधी जी के सामने जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने धीरे से गांधी जी से पूछा, बापू, आपको क्या हो जाता है? आश्रम के हर बच्चे की मृत्यु होने पर आप आधी रात को जाकर लिखने में डूब जाते हैं। गांधी जी थोड़े आव भर कर बोले, और भी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रात में आराम से सो नहीं सकता। फूल की कोमल कलियों जैसे छोटे छोटे बच्चे असमय काल के गाल में समाते जा रहे हैं। मैं उनकी मृत्यु को चुपचाप देखता रहता हूँ, उन्हें बचा नहीं पाता। उनकी मृत्यु का बोझ अब मेरे मन पर पड़ने लगा है। चेचक का टीका न लगवाने की मेरी सलाह आश्रम के बच्चों के अभिभावकों ने मानी और उन्हें उसका टीका नहीं लगवाया, परंतु अब एक के बाद एक बच्चे इस तरह से हमें छोड़कर जा रहे हैं। यही सोचकर ही मेरा मन बेचैन हो रहा है कि कहीं ये सब मेरी अज्ञानता और झक्कीपन का नतीजा तो नहीं है। वह बहन बोली, ये बात क्या मैं एक महात्मा के मुंह से सुन रही हूँ? आपने इस बीमारी का उचित निदान किया है और इससे आश्रम के बच्चे को बचाने के लिए आप ठीक इलाज कर रहे हैं, फिर इतनी चिंता किस बात की? इसके बाद भी अगर मृत्यु को आना ही है तो इस संसार में उसे कौन रोक सकता है? मौत मनुष्य जाति का शाश्वत मित्र है। यह व्यवहार आप जैसे महात्मा को शोभा नहीं देता। आपका हृदय इतना कमजोर कैसे हो गया? गांधी जी बोले, हाँ, मैं अपनी दुर्बलता स्वीकार करता हूँ। इतना बोलकर वे उस समय के लिए चुप रहे। दुख और मायूसी से भरी हुई आंखों से इधर उधर देखकर फिर बोलने लगे, देश के लोग मुझे महात्मा कहते हैं, लेकिन एक महात्मा के पास भी भावनाएं होती हैं, दिल होता है। आदमी चाहे कितना भी साहसी और निर्लिप्त हो, फिर भी क्या उसका हृदय कोमल नहीं हो सकता? गांधी जी की इन बातों पर वे बहन कुछ कह ही न सकी। फूल से भी कोमल हृदय वाले महात्मा की बातें सुन रही थी। अगले दिन आश्रम के लोगों के सामने अपनी पीड़ा और व्यथा प्रकट करके महात्मा गांधी ने अपने हृदय का बोझ हल्का किया। अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया, मेरा स्वयं टीकाकरण में जरा भी विश्वास नहीं है। इसकी वजह से मौत भी आ जाए तो मैं भी पूरी तरह तैयार हूँ, लेकिन मैं
अब खुद की राय आश्रम के सारे लोगों पर बिल्कुल लादना नहीं चाहता। जो अभिभावक अपने बच्चों का टीकाकरण करवाना चाहते हैं वे करवा सकते हैं, लेकिन वह प्रेम की लोकशाही कुछ ऐसी थी कि आश्रम किसी भी व्यक्ति ने गांधी जी के इस छूट का लाभ नहीं उठाया। और इसके पश्चात भगवान ने भी किसी भी आश्रमवासी की परीक्षा नहीं ली, फिर कभी आश्रम में चेचक रूप से किसी बच्चे की मौत नहीं हुई। दोस्तों, तो ये था गांधी जी का पहला प्रसंग। यह प्रसंग आपको कैसा लगा? यदि यह प्रसंग आपके दिल को छुआ हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।